प्लीज़ हमारे चैनल के लाल बटन को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की तरफ आने लगा, वह घर के अंदर भाग गई। उसके मन में डर बैठा हुआ था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़कर अपनी बड़ी सी झोली में डाल लेता है। काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मिनी की आवाज पर वह आया था, इसलिए मैंने उससे कुछ मेवे खरीदे। उसकी बातों से पता चला कि उसका नाम रहमत था। मिनी का डर दूर करने के विचार से मैंने उसे भीतर से बुलवा लिया। काबुली वाला झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर मिनी को देने लगा, पर वह किसी तरह भी उन्हें लेने को राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर मेरे पैरों से लिपट गई। इस घटना के कुछ बाद एक दिन मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था, देखा कि दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठी हुई मिनी काबुली वाले से हंस हंस कर बातें कर रही थी। काबुली वाला उसके पास बैठकर बड़े ध्यान से उसकी बक बक सुन रहा था। पिता के बाद शायद यह पहला व्यक्ति था जो इतने ध्यान से उसकी बक बक सुन रहा था। मिनी को उसने ढेर सारे मेवे दे रखे थे। मैंने रहमत को अठन्नी देते हुए कहा, आगे से इसे मेवा मत देना। धीरे धीरे काबुली वाला अपनी मीठी मीठी बातों से और पिस्ता बादाम देकर उसने मिनी के नन्हे से दिल का विश्वास पा लिया था। वे आपस में दोस्त बन गए थे। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे क्या? रहमत घूंसा दिखाकर कहता, मैं तो ससुर को खूब मारूंगा। और मिनी खूब हंसती। प्रतिवर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता, सारा समय उधार का रुपया वसूल करने में जुटा रहता, किंतु फिर भी वह मिनी से मिलता अवश्य रहता था। अचानक मैंने अपने घर से एक दिन देखा कि रहमत को दो सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और एक सिपाही के हाथ में खून से सना एक छुरा। पूछने पर पता चला कि वसूली के समय किसी व्यक्ति ने रहमत से झूठ बोला और पैसे देने से इनकार कर दिया। बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। धीरे धीरे हम काबुली वाले को भूल गए। कितने ही वर्ष बीत गए। उस दिन मिनी का विवाह था। घर में खूब चहल पहल थी कि अचानक काबुली वाला मेरे घर आया और मुझे अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। उसे पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा। मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ, मैंने उसे कहा। आज घर में बहुत काम है, किसी से भेंट ना हो पाएगी। मायूस होकर वह बोला, यह अंगूर बादाम किशमिश बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मेरे पैसे देने पर उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर बोला, बाबूजी आपकी लड़की की तरह मेरी भी एक बेटी है। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते की जेब में से एक मैले कागज का टुकड़ा निकालकर सावधानी से उसकी तह खोली। कागज पर रहमत की बेटी के नन्हे हाथों की छाप थी। अपनी बेटी की इसी याद को सीने से लगाए रहमत कलकत्ता की गलियों में सौदा बेचा करता था। यह देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू पीछे से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। रहमत उसे देख सक पका गया, मुन्नी ससुराल जा रही है क्या? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी, इसलिए शर्मा गई। वह अंदर चली गई। मैंने एक नोट निकालकर रहमत को देते हुए कहा, रहमत जाओ, तुम भी अपनी लड़की के पास अपने देश चले जाओ।
तुम्हारी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, उसकी भी शादी कर।